नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं अपना व्याकरण कक्षा आठवीं। लेसन हमारा फोर्थ चला हुआ है, जो शब्द पद एवं शब्द के भेद। अब लेक्चर नंबर टू आरंभ करते हैं, आगत या विदेशी शब्द। आगत शब्द का अर्थ है आया हुआ। वे शब्द जो अरबी, फारसी, उर्दू, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी फारसी से लिए गए हैं मसाला, गरीब, सूरमा आदि, अदालत आदि। अंग्रेजी से लिए गए या एशियाई यूरोपीय भाषाओं से लिए गए हैं डायरी, पेस्ट, पार्टी आदि शब्द। उसके बाद है संकर शब्द, जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे कपड़ा प्लस मिल। कपड़ा हिंदी का शब्द है और मिल अंग्रेजी का। इन दोनों को मिलाकर के कपड़ा मिल बना है शब्द। लाठी प्लस चार्ज। लाठी हिंदी का शब्द है, चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, तो ये शब्द संकर शब्द हो गया। संकर शब्द में लाठी चार्ज बन गया। अब आगे है रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द वे सरल शब्द जिनके और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते, यानी वे सरल शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, वे मूल शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, आँख, नाक, कान आदि। उसके बाद है सामान्य मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द दो तरह के होते हैं, जैसे सामान्य मूल शब्द और रूढ़ मूल शब्द। सामान्य मूल शब्द में वे आते हैं, मूल शब्द इस वर्ग में सभी मूल शब्द आते हैं सामान्य में, जैसे रात, दिन, साल, महीना आदि। और रूढ़ मूल शब्द में वे होते हैं, इस वर्ग में वे मूल शब्द आते हैं जो अपने अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे अरुण। अरुण ये रूढ़ मूल शब्द है। इसका सामान्य अर्थ होता है सूर्य या लाल रंग, और रूढ़ अर्थ क्या कहलाएगा इसका, सूर्य। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे ईमान प्लस दार, ईमानदार। दो शब्दों से एक शब्द बना है ये ईमानदार, ये यौगिक शब्द कहलाएगा। उसके बाद देखिए, जिस तरह कुछ मूल शब्द विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसी तरह कुछ यौगिक शब्द भी किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घर वाली एक यौगिक शब्द है, घर और वाली दो शब्दों से मिला, ये यौगिक शब्द हो गया, जो घर तथा वाली दो शब्दों से बना है। इस शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, गृह स्वामिनी, लेकिन हिंदी में यह पत्नी के अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। इसलिए जो यौगिक शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। ये यौगिक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द जैसे अपयश, दुर्बल, नियुक्त आदि, और रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द में जलज, जल और ज, जल का अर्थ होता है पानी में, ज उत्पन्न हुआ क्या होता है, कमल, ये रूढ़ अर्थ हो गया कमल। और इसका सामान्य जलज का क्या अर्थ बनेगा, कमल, मछली और शंख। शब्द विकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें वाक्य में प्रयुक्त होने पर विकार उत्पन्न होता है। हिंदी में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, वे विकारी शब्द होते हैं, और उनमें होते हैं संज्ञा, श्रवणा, विशेषण तथा क्रिया, ये शब्द होते हैं। इसमें संज्ञा के जैसे बच्चा है, अब विकार हो जाएगा इसमें, तो बच्चे, बच्चों और बच्चों, ये शब्द बन जाएगा। अविकारी शब्द वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद जैसे के तैसे रहते हैं, अविकारी कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। क्रिया विशेषण
में देखे जैसे आज, कल, परसों आदि, ये हैं अविकारी शब्द। इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी भी कह सकते हैं हम, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे मोहन, सोहन आदि। अनेकार्थी जिनमें एक से अधिक अर्थ निकल, जिन में वे शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल, कुल के अनेक अर्थ हैं, वंश, सब, गोत्र आदि अनेक अर्थ हुए, अनेकार्थी शब्द कहलाए। पर्यायवाची होते हैं एक जैसे अर्थ वाले, जैसे पत्ता, पत्ता के पर्यायवाची इसी अर्थ वाले और शब्द देखिए, पात, दल, पर्ण, पत्र आदि, ये सभी पर्यायवाची हैं। उसके बाद है विलोम शब्द। परस्पर विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले। जैसे अंदर, तो इसका उल्टा बनेगा बाहर, रात, तो इसका उल्टा बनेगा दिन। आगे है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द उच्चारण के स्तर पर समान प्रतीत होते हैं और उसके अर्थ भिन्न होते हैं। समान प्रतीत होने वाले और अर्थ अलग देने वाले शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द होते हैं। जैसे अंश और अंश, अंश का अर्थ है हिस्सा और अंश का अर्थ है कंधा। बोलने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अर्थ अलग है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, सामान्य शब्द, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, तथा तीसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। सामान्य शब्द कौन से होते हैं? सामान्य जनजीवन तथा क्रिया व्यापारों से जुड़े जितने भी शब्द हैं वे सब सामान्य शब्दों के वर्ग में आते हैं, जैसे मिठाई, किताब, घर, मैं, तू आदि। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कौन से होते हैं? इन शब्दों का संबंध किसी विषय विशेष से होता है। उदाहरण के लिए कार्यालय, बैंक, कोर्ट, कचहरी आदि, ये पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। उसके बाद अर्ध पारिभाषिक शब्द। कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग अपने विषय क्षेत्र के अलावा सामान्य व्यवहार में भी किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने विषय क्षेत्र में तो ये अपने निश्चित अर्थ को प्रकट करते ही हैं, साथ ही सामान्य भाषा में भी इनका प्रयोग थोड़े स्थिर रूप में हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गति, चाल, वेग आदि। इनके नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं, तुम्हारी गाड़ी की गति बहुत अधिक है, थोड़ा धीमे चलो। दूसरा, अपनी गाड़ी की चाल थोड़ी धीमी रखो वरना कहीं टक्कर हो जाएगी। तुम इतने वेग से गाड़ी क्यों चला रहे हो? इस भाषा में इस तरह के शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। अब आपका ये पाठ हो गया ख़त्म। इसके अंदर जितने भी इंटरनल क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या परिभाषाएं बन रही हैं, वे परिभाषाएं आपको लर्न करनी हैं, और उन्हीं परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाएं यहाँ दोहराने के लिए जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनमें आपको कुछ परिभाषाएं मिलेंगी, यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो। और इस पाठ के अंदर जितनी परिभाषाएं आई हैं उनको अच्छे से आपको लर्न करना है।